हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी। तो चलिए, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं बीएसटीसी इंट्रेंस एग्जाम 2022 का शिक्षण अभिरुचि का महामेगा मॉडल पेपर नंबर 3। देखिए, लास्ट सेशन में हमने दो मॉडल पेपर देख लिए थे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आज के सेशन की, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए। फिर बढ़ते हैं देखिए आज के सेशन की ओर। सेशन को आपके जो भी फ्रेंड्स बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास सेशन को शेयर कर दीजिए। फिर बहुत ही अच्छे मोटिवेशन के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। देखिए, ये सेशन शिक्षण अभिरुचि का आपके लिए डेली शाम चार बजे देखिए आपके लिए ये सेशन लेकर आ रहे हैं। नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन, बहुत ही शानदार सुविचार आज आपके लिए हम लेकर आए हैं कि कामयाबी का जुनून इतना हो कि सुबह उठने के लिए अलार्म की जरूरत न पड़े, अपने आप ही देखिए आपकी आँखें खुल जाए। कामयाबी का जुनून इतना होना चाहिए। तो चलिए बहुत ही देखिए आज के शानदार मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक अच्छे नेता में निम्नलिखित मुख्य योग्यता होगी। एक अच्छे नेता में कौन सी योग्यता मुख्य होती है? दल का गठन और उद्देश्यों की प्राप्ति करना, व्यक्तियों का सहयोग, दूसरों को अभिप्रेरित करना या कार्य के लिए आदेश देना। तो एक अच्छे नेता में कौन सी योग्यता है वो मुख्य होती है, ये आपको बताना है। तो कौन सी होगी? दल का गठन और उद्देश्यों की क्या करना? प्राप्ति करना। दल का सुचारू रूप से जो भी समूह है उसका गठन करना, उसका निर्माण करना, और जो भी उद्देश्य हम निर्धारित करते हैं उसकी क्या करना? प्राप्ति करना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण उपकरण अधिक योगदान देता है? प्राथमिक कक्षाओं में दर्श्य स्रोत यानी देखकर सीखना, कार्य करके सीखना, द्विसंकेतिक स्रोत या सर्वे स्रोत? तो राइट आंसर देखिए क्या होगा, ये सर्वे देखिए गलत लिखा हुआ है, यहाँ ये आएगा सर्वे स्रोत। तो प्राथमिक कक्षा में देखिए कौन सा अधिगम का उपकरण अधिक महत्वपूर्ण होगा? कौन सा? कार्यपरक स्रोत, कार्य करके सीखते हैं वो स्रोत। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, बालकों में सामाजिक संवेदनशीलता को पैदा करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वोत्तम है? ये आपको बताना है। तो कौन सी विधि सर्वोत्तम है? घर और समाज में वास्तविक जीवन के उदाहरण देना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान पुनर्बलन छात्रों के अधिगम पर धनात्मक प्रभाव डालता है। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया होती है, उसके दौरान पुनर्बलन होता है, जो आप उन्हें फीडबैक देते हो वो छात्रों के अधिगम पर धनात्मक प्रभाव डालता है। क्या? देखिए हमेशा देखिए धनात्मक प्रभाव डालता है, या फिर अधिकांशतया यानी कभी कभी, या फिर कभी कभी या कह नहीं सकते। तो क्या होगा राइट आंसर? देखिए जो पुनर्बलन होता है वो देखिए अधिकांशतया यानी अधिकतर बार देखिए धनात्मक प्रभाव ही डालता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, मूल्यांकन शब्द एक प्रक्रिया को दर्शाता है। जो मूल्यांकन शब्द है वो एक प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके अध्यापक विद्यार्थियों के बारे में सूचनाएं एकत्रित करता है, यानी जिसमें
जो अध्यापक होता है वो विद्यार्थियों के बारे में सूचनाएं एकत्रित करता है मूल्यांकन में, या फिर कक्षा में विद्यार्थियों का वर्गीकरण करता है, व्यवहार में परिवर्तन के प्रमाण एकत्रित करके निर्णय लेता है, या विद्यार्थियों की प्रगति को व्यवस्थित करता है। तो क्या होगा, विद्यार्थियों की प्रगति को क्या करता है, व्यवस्थित करता है मूल्यांकन करके। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि बालक में सामाजिक संवेदनशीलता के विकास आधारभूत अभिग्रण है। बालक में जो सामाजिक संवेदनशीलता का विकास आपको करना है तो उसका आधारभूत अभिग्रण क्या है, विद्यालय, समाज, परिवार या पुस्तकें। तो सामाजिक संवेदनशीलता का विकास कहाँ होगा, देखिए बालक में कहाँ होगा, परिवार में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, क्योंकि परिवार है वो समाज का क्या है, एक अंग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की कि संप्रेषण होना चाहिए, जो हमारा बातचीत करने का तरीका है, विचारों को आदान प्रदान करने का तरीका है, वो कैसा होना चाहिए। शिक्षण अधिगम में हाव भाव सहित, शिक्षण अधिगम में स्पष्टता सहित, शिक्षण अधिगम में द्विमार्ग, या फिर शिक्षण अधिगम में एक मार्गी। तो संप्रेषण कैसा होना चाहिए, शिक्षण अधिगम में कैसा होना चाहिए, द्विमार्गी होना चाहिए। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने वाला वैकल्पिक चर कौन सा होता है। विद्यार्थियों के अधिगम को आपको बढ़ाना है तो उसका वैकल्पिक चर कौन सा होगा, बुद्धि, वातावरण, शिक्षण गुणवत्ता या फिर समय। तो कौन सा चर देखिए वैकल्पिक होगा अधिगम को बढ़ाने के लिए, शिक्षण गुणवत्ता। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि मूल्यांकन का नज़दीकी संबंध किससे है, अधिगम के उद्देश्यों से, अधिगम अनुभवों से, अधिगम अनुभव और उद्देश्य दोनों से, या फिर मूल्यांकन व्यू रचनाओं से। तो मूल्यांकन का नज़दीकी संबंध किससे होगा, अधिगम अनुभव और किससे, उद्देश्य से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। कौन सी विधि देखिए प्राथमिक स्तर पर सर्वोत्तम होगी, व्याख्यान विधि, खेल विधि, परियोजना विधि या प्रदर्शन विधि। तो कौन सी विधि देखिए सर्वोत्तम होगी प्राथमिक स्तर पर, ये आपको बताना है। कौन सी होगी, खेल विधि। प्राथमिक स्तर पर खेल खेल के माध्यम से देखिए बच्चों को सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 इससे पहले देखिए सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो सेशन को आपको लाइक करना है और आपके सभी फ्रेंड्स के साथ सेशन को एक बार जोरदार तरीके से देखिए शेयर कर देना है। फिर बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए सेशन आपको पसंद आ रहा है तो फिर देखिए सेशन को आप लाइक क्यों नहीं कर रहे, एक बार सेशन को देखिए शानदार तरीके से लाइक कर दीजिए। फिर देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि प्रभावी संप्रेषण निम्न में से किस एक पर निर्भर करता है। प्रभावी संप्रेषण किस पर निर्भर करेगा, वाक्यों में प्रयुक्त सही व्याकरण पर, वाक्यों में प्रयुक्त आलंकारिक भाषा पर, व्यक्ति या समूह द्वारा लिए गए विचारों की सफलता पर, या फिर वाक्यों की संक्षिप्तता पर। तो प्रभावी संप्रेषण किस पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। किस पर निर्भर करता है, व्यक्ति या समूह द्वारा लिए गए विचारों की सफलता पर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि संप्रेषण का तात्पर्य क्या है, अर्थ बताना, आदेश देना, सम्मान, विचार पूछना या इनमें से कोई नहीं। तो संप्रेषण का तात्पर्य क्या होगा, सम्मान, विचार पूछना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आदेश देने का ही नहीं होता है संप्रेषण में, देखिए आदेश ही नहीं दिया जाता बल्कि अपने जो भी विचार है, अनुभव है, इनका आदान प्रदान करने को ही क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं। तो सम्मान, विचार पूछना संप्रेषण का क्या है, तात्पर्य है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की कि संप्रेषण क्रिया में सम्मिलित है। संप्रेषण क्रिया में देखिए क्या सम्मिलित है, संप्रेषणकर्ता के हाव भाव, विचार, ज्ञान, अवबोध व कौशल, वस्तु की कुछ विशेषताएं या इनमें से कोई नहीं।
तो क्या सम्मिलित है, देखिए संप्रेषण क्रिया में क्या सम्मिलित है, विचार, ज्ञान, अवबोध और कौशल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि आपका एक अध्यापक के रूप में प्राथमिक कर्तव्य छात्रों को तैयार करना होना चाहिए, किसके लिए, एक सम्मानित नौकरी के लिए, राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक निर्माण के लिए, प्रशिक्षित एवं कुशल व्यक्ति निर्माण के लिए, या विद्यालय को अच्छे परिणाम देने के लिए। तो आपका एक अध्यापक के रूप में प्राथमिक कर्तव्य छात्रों को तैयार करना होना चाहिए, किसके लिए तैयार करना होना चाहिए ये आपको बताना है। तो किसके लिए तैयार करना है, देखिए छात्रों को, राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक निर्माण के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि प्राचीन गुरुकुल शिक्षण प्रणाली वर्तमान शिक्षा प्रणाली की तुलना में अधिक प्रभावी थी। जो प्राचीन शिक्षा प्रणाली है गुरुकुल प्रणाली, वो वर्तमान प्रणाली की तुलना में अधिक प्रभावी थी, इसका कारण क्या है। छात्रों को व्यवसाय में स्थापित करना, विद्यार्थियों में कौशल का विकास करना, समाज में अपने सामाजिक स्थान को समझाना, या छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। तो क्या होगा राइट आंसर, देखिए छात्रों को क्या करना, सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि शिक्षण और अधिगम का प्रभावी मार्ग क्या है, प्रभावी मार्ग क्या है शिक्षण और अधिगम का ये आपको बताना है। शिक्षण और अधिगम किन दो देखिए दो लोगों के बीच होता है शिक्षण और अधिगम, एक तो सिखाने वाला होता है और दूसरा क्या होता है, सीखने वाला होता है। तो ये कौन सी प्रक्रिया है, द्विमार्गी प्रक्रिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि यदि आप शिक्षण करते समय, पढ़ाते समय असंतुष्ट और भय महसूस करते हैं तो आप में निम्नलिखित कारक का अभाव है। आप पढ़ाते समय भय महसूस करते हैं, डर महसूस करते हैं, तो आप में देखिए निम्नलिखित कारक, किस कारक का अभाव है, शिक्षण वातावरण का, शिक्षण प्रशिक्षण का, शिक्षण अभिवर्ती का, या शिक्षण प्रतिबद्धता का। तो क्या होगा देखिए राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 में, शिक्षण प्रतिबद्धता का। शिक्षण प्रतिबद्धता का आप में अभाव होगा तब आप क्या करोगे, भय महसूस करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की कि यदि आपने इस सत्र का पाठ्यक्रम सही समय पर पूरा नहीं करवाया तो आप क्या करोगे, यदि आपने इस सत्र का पाठ्यक्रम सही समय पर पूरा नहीं करवाया तो आप क्या करोगे। छात्रों को अतिरिक्त समय देकर इसे पूरा करवाने का प्रयास करेंगे, छात्रों को स्वयं अध्ययन करने की सलाह देंगे, या विषय वस्तु केवल मुख्य बिंदु बता देंगे, या छात्रों को ट्यूशन करने के लिए कहेंगे। तो आपका पाठ्यक्रम सही समय पर पूरा नहीं हुआ तो गलती किसकी, आपकी। तो छात्रों को अतिरिक्त समय देकर उसे पूरा कराने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे सही है। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से बताना है सबसे सही कथन कौन सा है। अध्यापक एक सामाजिक सुधारक है, अध्यापक एक अच्छा वक्ता होता है यानी बोलने वाला, अध्यापक एक अच्छा अनुगामी है या फिर यानी पीछा करने वाला, या फिर अध्यापक हमेशा एक अधिगम करता है। तो राइट आंसर देखिए क्या होगा, अध्यापक देखिए सही कथन, अध्यापक के लिए सही कथन कौन सा होगा, अध्यापक क्या है हमेशा एक अधिगम करता है यानी सीखने वाला है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की कि सरकारी विद्यालयों के परिणाम प्राइवेट यानी गैर सरकारी विद्यालयों के परिणामों से पिछड़े हुए हैं, इसका कारण क्या है। सरकारी विद्यालय का जो रिजल्ट है वो प्राइवेट विद्यालयों के रिजल्ट से पिछड़ा हुआ है, तो इसका कारण क्या है। सरकारी विद्यालय के अध्यापकों की सुविधाओं में कमी है, अध्यापकों के आवास से विद्यालय की दूरी है, जहां अध्यापक का घर है उससे देखिए विद्यालय की दूरी अधिक है, या फिर अध्यापकों में व्यावसायिक प्रतिबद्धता की कमी है,
या विद्यार्थियों के लिए सरकारी अभिप्रेरणा में कमी है तो क्या होगा? देखिए करेक्ट आंसर, अध्यापकों में क्या है? व्यावसायिक प्रतिबद्धता की कमी है। ऑप्शन है सी राइट आंसर होगा, यानी उनका जो व्यवसाय है पढ़ाने का उसमें कंपटीशन नहीं रहा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और प्राइवेट स्कूलों में देखिए क्या होता है, जो शिक्षक जितना अच्छा पढ़ाता है देखिए उसकी उतनी ही क्या होती है, पहुंच होती है। यानी दूर दूर के देखिए इंस्टीट्यूट वाले उन्हें जानने लग जाते हैं, लेकिन जो सरकारी अध्यापक होते हैं उनमें क्या है, अपने व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता की यानी कॉम्पिटिशन उनमें कम है। और जो प्राइवेट स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनमें देखिए कॉम्पिटिशन पढ़ाने का इतना ज़्यादा होता है कि मैं सबसे अच्छा पढ़ाऊँ। तो ऑप्शन सी देखिए राइट आंसर होगा। देखिए ये रियल फैक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि आप प्राथमिक कक्षा के छात्रों की रुचि किसी विषय वस्तु में जागृत करना चाहते हैं तो इसका तरीका क्या है, क्या तरीका है? देखिए प्राथमिक कक्षा के छात्रों में आपको रुचि जागृत करनी है तो इसका क्या तरीका है? गृह कार्य दिया जाए, एक परिस्थिति प्रदान की जाए, एक व्याख्यान द्वारा स्पष्ट किया जाए, या एक कहानी सुनाई जाए। तो क्या होगा देखिए राइट आंसर, क्या करना चाहिए? देखिए सभी को बताना है क्या करना चाहिए, एक कहानी सुना देनी चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, एक कक्षा में अच्छा शिक्षण अधिगम वातावरण संभव है। एक कक्षा में अच्छा शिक्षण अधिगम वातावरण कब संभव होगा? जब छात्र बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे। कक्षा का वातावरण अंतःक्रिया वाला होना चाहिए। अध्यापक कक्षा पर प्रभाव रखता हो या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, कक्षा का वातावरण अंतःक्रिया वाला होना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 कि एक कक्षा के छात्रों को शिक्षक द्वारा अनुशासित किया जाना चाहिए, दंड देकर, उनके अनुशासनहीन व्यवहार पर जुर्माना लगाकर, या फिर तदानुभूति और निष्पक्ष व्यवहार द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो एक कक्षा के छात्रों को शिक्षक द्वारा किस प्रकार अनुशासित किया जाना चाहिए? कैसे अनुशासित करोगे आप टीचर बनने के बाद छात्रों को, अनुशासन में कैसे रखोगे? तदानुभूति और निष्पक्ष व्यवहार द्वारा, यानी भेदभाव हमें नहीं करना है बच्चों में। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, आप प्राथमिक स्तर के छात्रों के अध्यापक हैं। आप क्या है, प्राथमिक स्तर के छात्रों के अध्यापक हैं। आपकी शिक्षण विधियों में प्रभाव रहेगा, क्रियाओं का, वाचन का, लेखन का, श्रवण और वाचन यानी सुनने, और जो आप पाठ्य वस्तु का वाचन करोगे उसका, तो किसका देखिए अधिक प्रभाव रहेगा, किस पर आप सबसे अधिक बल दोगे? प्राथमिक स्तर के छात्रों के अध्यापक हो तो किस पर अधिक बल देना है? क्रियाओं पर देखिए आपको अधिक बल देना है, यानी आपको एक्टिविटीज बहुत सारी करनी है, उससे देखिए छात्रों को रुचि बनी रहेगी। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन कि सामाजिक संवेदनशीलता के विकसित होने में सबसे महत्वपूर्ण संगठन क्या है? सामाजिक संवेदनशीलता के विकसित होने में सबसे महत्वपूर्ण संगठन है क्लब, कार्यालय, कक्षा कक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो विकसित और सामाजिक संवेदनशीलता को विकसित करना है तो सबसे महत्वपूर्ण संगठन देखिए कौन सा होगा, कक्षा कक्ष। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आपको बताना है कैसा लगा आज का सेशन, सेशन कैसा लगा? यदि कोई भी डाउट हो तो आप देखिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो सभी को सेशन को देखिए लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर करना है। तो चलिए आज की क्लास यही एंड करते हैं। क्लास को देखने के लिए सभी को धन्यवाद। मिलते हैं देखिए नेक्स्ट सेशन में।